मैनकाइंड फार्मा कंपनी के खिलाफ बजा दिया बिगुल। सुनिए जेपी कौशिक की जुबानी। जयप्रकाश कौशिक, राष्ट्रीय महामंत्री, भारतीय मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव महासंघ। आंदोलन का क्या है स्वरूप? देखिए, मैनकाइंड कंपनी में हमारा एक साथी कार्यरत था और उसकी अपरिहार्य परिस्थितियों में एक मृत्यु हुई, जिसमें कंपनी उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रही थी, कंपनी उस पर बहुत ज़्यादा दबाव बना रही थी, अनैतिक रूप से उस पर अत्याचार किए जा रहे थे। इन मांगों इस सब के चलते उस साथी की मृत्यु हो गई, जिसके बारे में ये सभी साथी हमारा विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और ये विरोध प्रदर्शन जो हमारा, अभी हम कंपनी के बायकॉट की अपील कर रहे हैं सभी से। हमारे सभी साथी काले बैच लगा रहे, इस पर काम कर रहे हैं। हमने इसके बारे में कंपनी के खिलाफ एक वाद भी दायर किया है चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल को, जो कंपनी गैरकानूनी काम कर रही है, अनैतिक गतिविधियां कर रही है, इसके बारे में एक वाद दायर किया है हमने। क्या सभी डॉक्टर आपका सहयोग करेंगे? देखिए, ऐसा है, हम सभी डॉक्टर्स के पास जाके, केमिस्ट के पास जाके, जो भी मेडिकल फ्रेटर्निटी है, हम उसके पास जाके हम सबको बता रहे हैं कि कैसे कि कंपनी जो अपने आप को मैनकाइंड कंपनी कहती है, उसने कैसा इनह्यूमन काम किया है। और हम कंपनी की इनह्यूमनिटी के बारे में डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टर जान बचाने वाले होते हैं, डॉक्टर भगवान का रूप है, और डॉक्टर कभी ऐसे जान का सौदा नहीं करेगा। डॉक्टर निश्चित तौर पर हमारा सहयोग करेंगे, जितने भी डॉक्टर्स हैं सभी सहयोग करेंगे, ऐसे ही हमें बिल्कुल पूर्ण विश्वास है। आगे क्या रहेगा? देखिए, आगे हमारी जो तय शुदा रणनीति है हमारी, इसमें कोई बड़ा नहीं है। जो भी एक आंदोलन का स्वरूप होता है, उस आंदोलन के स्वरूप के हिसाब से हम चल रहे हैं। हम फील्ड में भी एजिटेशन कर रहे हैं, कंपनी के खिलाफ हम बायकॉट की अपील कर रहे हैं, कानूनी रूप से भी हमने कंपनी पे केस डाल रखा है। और इसमें आगे भी कंपनी के जो गलत काम हैं, कंपनी जिस तरीके से मैनेजरों के खाते में पैसे डालती है और उनसे फिर MCI गाइडलाइंस का वायलेशन कराती है, इन चीज़ों के भी कई अगर हमारे पास प्रमाण हैं, उन प्रमाणों को हम मांग करेंगे सरकार से, सरकार इसकी जाँच करे, उनके खातों की जाँच करे। निश्चित तौर पर उसके हम केंद्र सरकार के जो संबंधित मंत्रालय हैं उनसे अपील करेंगे, मांग करेंगे और उनकी जांच करवाएंगे। और जितना भी अगर कंपनी जो गलत कर रही होगी तो उसको सामने लाया जाएगा निश्चित तौर पर।